अरे आपको पता है डीके एक नंबर का स्कैमस्टर है, अगर आप और खोदेंगे तो और सब बाहर आ जाएगा। आपको पता है सर, डीके के सहयोगी मुलगुन ने 50-100 करोड़ बना लिए हैं। आप सोचो कि जब लड़के ने 50-100 करोड़ बना लिए हैं तो डीके कितना बना चुका होगा। वो एक कलेक्शन मैन है। डीके जब भी बात करता है तो शराबी की तरह खूब हकलाता है। वह पीता है क्या? वो लोग तो वही कह रहे थे। मीडिया कर्मी पूछ रहे थे कि क्या वह नशे में था। ये हम नहीं, कर्नाटक के दो कांग्रेसी नेताओं की बातचीत है जो अपने ही नेता डीके शिव कुमार के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के दौरान भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पार्टी के नेताओं पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के घोटालों का आरोप है जो समय समय पर बाहर आते रहते हैं। ऐसे में 3 राज्यों में बची पार्टी की सरकार आए दिन किसी न किसी कारण से बिखर रही है, क्योंकि नेता सत्ता सुख पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों के ही नेतृत्व को समझाने के साथ साथ वहां चल रहे टकराव को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति वाले नेताओं ने कर्नाटक के दिग्गज कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को झटका दिया है, क्योंकि डीके शिवकुमार के मंत्री रहते भ्रष्टाचार की बातें दो नेताओं की गुपचुप बातचीत के जरिए सामने आई है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और फिर उनकी बातें वायरल हो जाती हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तो इन आपत्तिजनक मोमेंट्स के पुरोधा माने जाते हैं, लेकिन ये झटका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगा। ताजा मामले में पूर्व लोकसभा सदस्य VS उग्रप्पा और कांग्रेस पार्टी के मीडिया समन्वयक MS सलीम कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार को बेनकाब करते हुए कैमरे में कैद हो गए। दरअसल कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के मीडिया समन्वयक और प्रवक्ता पार्टी की आंतरिक बातें कर रहे थे, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि मीडिया का माइक ऑन है, जिसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी के कर्नाटक के सबसे अमीर राजनेता DK शिवकुमार की फजीहत हो रही है, क्योंकि ये लीक हुई बातचीत उनके मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार से संबंधित है। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं की बातचीत में ये भी खुलासा हुआ है कि DK शिवकुमार एक नशीले पेय पदार्थ का सेवन करते रहते हैं। दरअसल दोनों नेताओं का वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आया है, जिसमें DK शिवकुमार द्वारा रिश्वत लेने की बात कही जा रही है। दोनों नेताओं को यह भी कहते हुए सुना गया है कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के सहयोगियों ने 100 करोड़ रुपए की उगाही कर कमाए। वीडियो में सलीम को कहते हुए सुना गया है कि शिवकुमार पहले 6-8% कमीशन लिया करते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10-20% कर दिया गया है। ये महाघोटाला है और आप जितना खोदोगे उतना ही निकलेगा। सलीम ने आगे कहा कि डीके के सहयोग मुलगुन ने करीब 50-100 करोड़ रुपए कमाए हैं, और सोचिए कि जब मुलगुन के पास इतना पैसा है तो डीके के पास कितना होगा। वीडियो में सलीम शिवकुमार पर शराब पीने का आरोप भी लगाते हुए कह रहे हैं कि वो बात करते समय अक्सर हकलाते हैं और उन्हें शक है कि वो शराब पी कर आते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बातचीत उस समय की है जब DK शिवकुमार सिंचाई से संबंधित मंत्रालय का कार्यभार संभाले हुए थे। DK वर्तमान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में अब इस लीक वीडियो के बाद पार्टी में सिर फुटवल की स्थिति बन गई है। नतीजा ये है कि पार्टी ने दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। दोनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई इस पूरे प्रकरण के बाद कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल की स्थिति में है, जिसके तहत पार्टी के प्रवक्ता उग्रप्पा से अगले 3 दिनों के अंदर सफाई मांगी है। तो वहीं मीडिया प्रमुख अहमद सलीम को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। अब उग्रप्पा ने अपनी सफाई में अजीबोगरीब तर्क दिया है जो कि हास्यास्पद ही प्रतीत होता है। उन्होंने कहा है कि वे लोग कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों में हुई इनकम टैक्स की रेड से संबंधित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया के बारे में बातचीत कर रहे थे। सलीम अहमद उन्हें बता रहे थे कि इस रेड के बारे में BJP के लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। स्पष्ट है कि DK शिवकुमार को बचाने के लिए और पार्टी को अपनी छवि को साफ दिखाने की कोशिश में कांग्रेस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, लेकिन प्रश्न वही उठता है कि क्या इससे स्थितियां सहज हो सकती हैं? शायद नहीं, क्योंकि भाजपा अब राज्य में इससे बड़ा मुद्दा बना सकती है। BJP नेता अमित मालवीय ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया। कांग्रेस के पूर्व सांसद VS उग्रप्पा और KPPC के मीडिया समन्वयक सलीम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे पार्टी अध्यक्ष DK शिवकुमार रिश्वत लेते हैं, और उनके एक करीबी ने 50-100 करोड़ के बीच की वसूली की है। वे यह भी चर्चा कर रहे हैं
कि कैसे बात करते समय वह हकलाता है जैसे वे नशे में हो। कांग्रेस इस वक्त पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत अनेक राज्यों में आंतरिक टकरावों से जूझ रही है। कुछ ऐसी स्थिति कर्नाटक में भी है, जहां पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया के बीच टकराव की स्थिति है। ऐसे में डीके शिवकुमार के भ्रष्टाचारों का खुलासा होने के बाद अब सिद्धारमैया को उनके खिलाफ बोलने का सॉलिड मौका मिल गया है, जो कि डीके की दावेदारी को कमजोर करने वाला है। संभव है कि कर्नाटक में पार्टी में एक भयंकर आंतरिक टकराव दिखेगा, जिसकी स्थिति पार्टी को गर्त के एक नए रसातल में ले जा सकती है।